ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसके बाद अंदर आते हैं आपको मिलेगा लीनिंग टावर और पीछे है तीसरे बंडे सा वर्ल्ड है आईफिल टावर। खड़े होने रखे जगह जगह जी, इतनी भीड़ हो रही है। बगल में ही है जयंसगंज जी। तो अभी हमने कार पार्क कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कार पार्क करने के 20 रुपीज़ पर आवर है। तो जब भी आप आए तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, अभी आप देख लीजिए। हमने एंट्री कर ली है रेस्टोरेंट पार्क में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्री करते ही पहले आपको मिलेगा पार्क। यहाँ पे आप जैसे बच्चे अच्छे आते तो यहाँ भी वो खेल सकते हैं, कोई भी अपनी फुटबॉल ये सब ला के। तो एटेबल्स आइटम जो है वो अंदर अलाउड नहीं है, बाकी अब आपको हम आगे दिखाते हैं। तो एंट्री करते ही पहले आपको मिलेगा पिरामिड ऑफ गीजा। तो देखो देख सकते हैं ये पूरा बन रखा है बेस मटेरियल से, जैसे कि क्लच प्लेट्स, और आप देख रहे हैं लोहे के जो एंगल्स होते हैं उससे, और इसके अंदर देख सकते हैं लाइट है। जैसे कि अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है तब मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया जो कि ऑसम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको मिलेगा लीनिंग टावर और पीसर, जो कि देख सकते हैं आप जैसे बन रखा है पाइप एंड ऑटोमोबाइल गियर कार्स व्हील्स रिम्स और क्लच प्लेट्स। चलिए आपको इसके बाद अंदर आते हैं, आपको मिलेगा लीनिंग टावर और पीसर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी रात हो गई है और इसमें लाइट जलना स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पूरा नाइट व्यू दिखाएंगे, इसका कितना मस्त लगेगा, कितना ऑसम लगेगा। इसके आगे चलेंगे, आपको दिखा रहे तीसरा वंडर ऑफ वर्ल्ड आता है आपका आईफिल टावर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा पंडित बल्ब बना रखा है बेस से। आईफिल टावर के बाद यहाँ पे फोर्थ जो वर्ल्ड जोन बनाया गया है बेस से वो है कोलोजियम, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भीड़ हो रही है यहाँ पर, मुझे बोलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आपने देख तो लिया होगा ताजमहल अच्छे से। अब चलते आगे, तो हम आ चुके हैं अगले वेस्ट वंडर की तरफ, जो कि है रेडीमेड जीरो। ये भी सेम गियर्स एंड ऑटो पार्ट मिलता है, पार्क बेंच पार्ट, इंडियन साइकिल चेंज, रिक्शा पार्ट। चलिए इसे देखते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं ये फिफ्थ वेस्ट वंडर है, इधर रेडीमेड जीरो। ये भी सेम टू सेम वेस्ट पार्ट से बनता है। ये भी बनने का टायर इन से रिक्शा पार्ट्स, पार्क रैली पार्ट, साइकिल चेंज, साइफन कार पार्ट्स। ये भी सेम टू सेम यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सारे बनने के बेस से। तो चलिए ऐसे देख, तो हमारे के नेक्स्ट बेस तो बनने के बाद जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी सेम टू सेम सारे बेस बनने तो बड़ी तरह बन रखा है, जो कि बेस से बने हैं साइकिल नेम चेंज पार्ट। तो देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वही तक के यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं।
यहाँ तो बहुत अच्छे स्पॉट बना रहे हैं काफी एंगल्स बेस और साइकिल रिम्स इन सब से तो आप भी आइए बस पार्क का एंजॉयमेंट करिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी तरह व्यवस्था करी गई है, जैसे पार्क की लेडीज भी है, मेल फीमेल वॉशरूम और सीनियर सिटीजन जैसे आते हैं उनके जी में पेन हो जाता है, तो यहाँ पे सीट बनाई गई है जैसे यहाँ पर मैं बैठा हुआ उनके लिए बनाया गया है। वेस्ट वंडर खुलता है सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक, तो आप कभी भी आके यहाँ पे मजे ले सकते हैं। सारे यहाँ पर जितने वर्ल्ड ऑफ वंडर वेस्ट से बनाए गए हैं सारे के सारे मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप भी आइए इस पार्क में एंजॉय करिए और मतलब जो कहते हैं नेक्स्ट लेवल पार्क। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई वेस्ट वंडर पार्क से हम सीधा आए थे यहाँ पे, घर को आते हैं हमें एक पॉइंट दिखा यमुना रिवर पॉइंट, इसके ठीक बगल में ही है जैन शिकंजी। तो आप जैसे आप रहते हो मयूर विहार फेस वन फेस टू नोएडा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस जैसे आप पास करते हो तो आप यहाँ के यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो जैन शिकंजी। आपको दिखाता हूँ अभी ये आपको आते से मिल जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस जैसे, और जाते समय भी जैसा कि आप देख सकते हो घूमते हुए दिखाता हूँ आपको मैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखे जैन शिकंजी, वहाँ पर भी आप इसे तो लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज देखिए ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरिंग और फनी ब्लॉग्स देखते हैं। बाय।